आज के वीडियो में कुंदरू या टेंडली भी जिसे आप कहते हैं उसकी सब्जी मैं शेयर कर रही हूँ। जनरली काफी लोग कुंदरू की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप आज मैं जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले 4-5 चम्मच बेसन मैंने ले लिया है। बेसन को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्टिंग के बाद उसके कलर में का चेंज आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा तिल में ड्राई रोस्ट कर लूंगी और थोड़े से मूंगफली के दाने भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। इस मूंगफली और तिल को हमें ठंडा कर लेना है और इसका कोर्स पाउडर मिक्सी में बना लेना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपको पसंद नहीं है मूंगफली तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और उसमें मैंने राई और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। राई और जीरा थोड़ा तड़क जाने दीजिए। थोड़ा सा हींग मैंने डाल दिया है और अब अदरक मिर्ची और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा तेल में और डाल रही हूँ। और अब बारीक चॉप किया हुआ प्याज मैंने उसमें डाल दिया है। अब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाते तक अच्छे से उसे पका लेना है। अब हम कुछ मसाले उसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, ध्यान रखिए टीस्पून है टेबलस्पून नहीं है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने खटास के लिए आमचूर पाउडर डाल दिया है। ऑप्शनल है, अगर आमचूर पाउडर आपके पास ना हो तो आप लास्ट में थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब मैं उसमें थोड़े से कुंदरू डाल दूंगी। मैंने सर्कुलर शेप में उसे कट किया है, आप चाहे वैसे शेप में उसे कट कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जो बहुत पके हुए कुंदरू होते हैं जो रेड कलर के हो जाते हैं उसे यूज नहीं करना है हमें सब्जी में। हल्के रेडिश चलेंगे लेकिन डार्क रेड तो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, उससे सब्जी बहुत स्टिकी सी हो जाती है। अब ढककर हमें इसे अच्छे से पका लेना है जब तक कुंदरू तकरीबन 75% ना पक जाए। बीच बीच में आप लिड खोल के थोड़ी सी सब्जी हला लीजिए ताकि सब्जी पैन को ना चिपके। इसके पहले भी मैंने एक कुंदरू की एकदम सिंपल रेसिपी शेयर की थी, वो भी काफी अच्छी लगती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो बेसन हमने ड्राई रोस्ट करके रख दिया था वो सब्जी के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ध्यान रखिए मिक्स नहीं करना है अभी से उसको सब्जी में। और जो मूंगफली और तिल का जो कोर्स पाउडर बना लिया था वो भी आप डाल दीजिए। अब जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, आप थोड़ा सा पानी चारों कोनों से सब्जी में डाल दीजिए और अब ढक के हमें सब्जी को अच्छे से 3-4 मिनट तक पकने देना है। और अब हमें लिड खोल के बेसन को अच्छे से मिला लेना है सब्जी में और थोड़ा सा पानी डाल के फिर से ढक के हमें सब्जी पकने देनी है। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट करके रखा था बेसन, बेसन पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हल्का सा पानी का छींटा आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये बेसन की सब्जी है, चांसेस है कि थोड़ा सा बॉटम में चिपके। सब्जी नॉनस्टिक यूज कर रहे होंगे तो नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर आप स्टील या कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज कर रहे हो तो थोड़ी सी चिपकने की चांसेस होती है। उसके लिए एक ट्रिक है, आप गैस बंद कर दीजिए लेकिन लिड बिल्कुल मत खोलिए। 5 मिनट तक वैसी ही सब्जी को पड़े रहने दीजिए, रेसिडुअल हीट पे सब्जी भी अच्छे से पक जाएगी और जो भी बेसन अगर चिपका भी हो नीचे वो अलग हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेश कटा हरा धनिया मैंने अभी उसमें डाल दिया है, थोड़ी सी शक्कर या मिश्री पाउडर भी आप उसमें डाल सकते हैं।
और अब सब्जी को ढक देना है 3-4 मिनट तक, अच्छे से उसे पकने देना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।